नमस्कार आप सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इंडिया फुटबॉल के एक और वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने किंग्स कप फिर मर्डर का कप के बारे में बात किया था और आज के इस वीडियो में हम एक नए टूर्नामेंट जो कि है हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की तरफ। मणिपुर में हीरो ट्राइनेशन इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के शानदार सफलता के बाद अब समय है भुवनेश्वर के लिए सीनियर मेंस नेशनल टीम को होस्ट करने का, क्योंकि भुवनेश्वर में इस जून में आयोजित होने वाला है हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2018 में नेहरू कप को रिप्लेस करने के लिए पेश किया गया था। इस साल हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का तीसरा एडिशन है। पहले दो मुंबई 2018 में हुआ था, फिर अहमदाबाद 2019 में आयोजित किया गया था। फिर दोस्तों, पिछले दो एडिशन में ऑल टोटल 6 नेशंस ने भाग लिया था, जिसमें से इंडिया होस्ट रही थी एज द होस्ट नेशन। पहले एडिशन में 2018 में जो हुआ था, वो जो कि मुंबई में हुआ था, उस एडिशन में 4 नेशंस खेला था, जहां पे इंडिया, फिर केनिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर चाइनीज तैपे के बीच मैच हुआ था, जहां पर इंडिया पहला एडिशन का चैंपियंस था। फिर अगले सीजन जो कि 2019 में जो अहमदाबाद में हुआ था, उस सीजन में 4 नेशन के बीच मैच हुआ था, जो कि है नॉर्थ कोरिया, फिर ताजिकिस्तान, सीरिया और इंडिया एज होस्ट के बीच खेला गया था, और उस सीजन में नॉर्थ कोरिया वाज द चैंपियंस। और इस एडिशन में 4 नेशन के बीच में ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। एक तो है दोस्तों हमारे इंडियन नेशनल टीम और बाकी 3 है लेबनन जो कि फीफा रैंकिंग है 99, फिर मंगोलिया जो कि है फीफा रैंकिंग 183, फिर वानुआता जो कि है 163 फीफा रैंकिंग पर। हाँ दोस्तों, इंडिया पहली बार खेलने वाली है मंगोलिया और तो और वेनुआटा के अगेंस्ट, जो कि है लोएस्ट रैंकिंग। हाँ दोस्तों, ठीक है, अब ये मैचेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें मदद करेगा टू इम्प्रूव आवर फीफा रैंकिंग बिफोर एशिया कप। अब दोस्तों, ये टूर्नामेंट इंडिया जो एक एशिया कप 2024 के लिए प्रैक्टिस रूप में खेलेगा, और इसके बाद साफ टूर्नामेंट भी आयोजित होने वाला है, उसके ऊपर में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पर ख़त्म करता हूँ और जल्द ही एक और नए वीडियो ले आएंगे इंडियन फुटबॉल के बारे में। तो दोस्तों, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड ऑलवेज सपोर्ट इंडियन फुटबॉल।